Hello everyone, my name is Arjay Agam. I hope you guys are in fun. First of all, I would like to say thank you to all those people who watch my videos, and I greet all those people who subscribe to my YouTube channel. Today I am going to solve exercise 20 from Oxford Current English Translation. I hope you will watch the complete video, and please don't forget to subscribe. आज हम कुछ ऐसे वाक्यों पर विचार करेंगे जिनसे प्रतिज्ञा या फिर दृढ़ निश्चय का भाव व्यक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अवश्य संतुष्ट रहूंगा, वह अवश्य तैयार रहेगा। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए आपको आई और वी के साथ विल का प्रयोग करना है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करना है। यदि सब्जेक्ट के बाद अवश्य लगाओ, यानी कि कर्ता के ठीक बाद अवश्य लगाओ, तो आपको समझ लेना है कि इस वाक्य में प्रतिज्ञा या फिर दृढ़ निश्चय का भाव व्यक्त हो रहा है। तो इन परिस्थिति में आपको आई और वी के साथ विल का प्रयोग करना है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करना है। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करना है और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करना है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए आज का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो पहला अनुवाद है आपका, वह अवश्य प्रसन्न रहेगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद अवश्य लगा हुआ है, जो कि प्रतिज्ञा या फिर दृढ़ निश्चय का भाव स्पष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट लिख लेना है, ठीक है। और आपको पता है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करेंगे यदि प्रतिज्ञा या फिर दृढ़ निश्चय का बोध हो। तो ही के साथ सेल लगाएंगे, ही सेल बी हैप्पी। वह अवश्य प्रसन्न रहेगा, ही शैल बी हैप्पी। अब है तुम अवश्य स्वस्थ रहोगे, यू शैल बी हेल्दी। अब है मैं अवश्य तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी। मैं अवश्य थका रहूंगा, आई विल बी टायर्ड। ध्यान रखना है आई और वी के साथ विल का ही प्रयोग करेंगे यदि प्रतिज्ञा या फिर दृढ़ निश्चय का बोध हो, या स्पष्ट रूप से यह समझे यदि सब्जेक्ट के बाद अवश्य लगा हो तो आई और वी के साथ विल का ही प्रयोग करना है। मैं अवश्य महान बनूंगा, आई will be great। हम लोग अवश्य भूखे रहेंगे, we will be hungry। तुम अवश्य परेशान रहोगे, you shall be ट्रबुल्ड। अब है वे लोग अवश्य दोषी रहेंगे, दे शैल बी गिल्टी। सीता अवश्य भाग्यशाली होगी, सीता शैल बी लकी। सीता अवश्य भाग्यशाली होगी, सीता शैल बी लकी। अब है राम अवश्य उपस्थित रहेगा, राम शैल बी प्रेजेंट। यहाँ पर शैल का प्रयोग राम के साथ प्रतिज्ञा या फिर दृढ़ निश्चय का बोध कराने के लिए किया गया है, तुम अवश्य उपस्थित रहोगे, यू shall be present। वे लोग अवश्य उदास रहेंगे, they shall be sad। प्रतिज्ञा का बोध है। और आपको फिर से याद दिला दूं कि आई और वी के साथ विल का प्रयोग करना है
और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आपको सेल का प्रयोग करना है प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चय का बोध कराने के लिए। गरीब लोग अवश्य दुखी रहेंगे, द पुअर। आप जानते हैं कि पुअर का पहले द का प्रयोग बहुवचन के लिए किया गया है, एक से अधिक गरीब के लिए प्लूरल सेंस में किया गया है, ठीक है। गरीब लोग अवश्य दुखी रहेंगे, द पुअर सेल बी सैड। गरीब लोग अवश्य दुखी रहेंगे, द पुअर सेल बी सैड। अब है तुम अवश्य एक अच्छा आदमी बनोगे, यू सेल बी ए गुड मैन। यहाँ पर मैंने गुड मैन के पहले ए का प्रयोग किया है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर में किसी एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, और जो कॉम्प्लीमेंट है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और उसके ठीक पहले एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव के ठीक पहले एन का प्रयोग होगा। वे अवश्य नेता बनेंगे, दे शैल बी लीडर्स। यहाँ पर ध्यान देना है कि लीडर में एस क्यों लगा है, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, और जो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है वह एक कॉमन नाउन है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो और कॉम्प्लीमेंट जब कोई कॉमन नाउन हो या फिर काउंटेबल नाउन हो, तो उसके साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं। अब है वे लोग अवश्य परेशान रहेंगे, दे शैल बी ट्रबल्ड। अब है सीता अवश्य सुंदर होगी, प्रतिज्ञा या फिर दृढ़ निश्चय का बोध है, सीता सेल बी ब्यूटीफुल। सीता अवश्य सुंदर होगी, सीता सेल बी ब्यूटीफुल। अब है मैं अवश्य आपका सेवक बनूंगा, आई विल बी योर सर्वेंट। कहता है मैं अवश्य आपका सेवक बनूंगा, आई विल बी योर सर्वेंट, मैं अवश्य आपका सेवक बनूंगा। अब है मेरा भाई अवश्य नेक होगा, मेरा भाई क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और इसके ठीक बाद अवश्य का प्रयोग हुआ है, अर्थात प्रतिज्ञा या फिर दृढ़ निश्चय का बोध है। तो यहाँ पर माय ब्रदर के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, माय ब्रदर सेल बी जेंटिल। मेरा भाई अवश्य नेक होगा, माय ब्रदर सेल बी जेंटिल। अब है वे लोग अवश्य भूखे रहेंगे, प्रतिज्ञा का बोध है या फिर दृढ़ निश्चय का बोध है, दे सेल बी हंग्री। तुम अवश्य एक बड़ा आदमी बनोगे, यू सेल बी ए ग्रेट मैन। तुम अवश्य एक बड़ा आदमी बनोगे, यू शैल बी ए ग्रेट मैन। अब है वह अवश्य तैयार रहेगा, ही शैल बी रेडी। इस एक्सरसाइज में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सब्जेक्ट के बाद अवश्य है, तो जहां पर आप सेल का प्रयोग करते थे पहले वहां पर विल का प्रयोग कर देना है, और जहां पर पहले विल का प्रयोग करते थे वहां पर सेल का कर देना है। बच्चे अवश्य प्रसन्न होंगे, यहां पर जो वक्ता है इन बच्चों के विषय में जान रहा है, पूर्व परिचित है, इसलिए प्लूरल फॉर्म में होने के बाद भी चिल्ड्रेन के पहले द का प्रयोग होगा। बच्चे अवश्य प्रसन्न होंगे, द चिल्ड्रेन शैल बी हैप्पी।
बच्चे अवश्य प्रसन्न होंगे, द चिल्ड्रेन शैल बी हैप्पी। प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चय का बोध है, इसलिए यहाँ पर शैल का प्रयोग किए हैं। ठीक है।